मान्छे नि यो माल्टो कचुमाल छ कचुमाल छ सब ड्रम 14 15 डब्बा छ नि ड्रम किन तिन सर ड्रम यो के हो कि त म त नि यहाँ अब छिल 7 6 महिना म कोरोना अच्छा मै मै जो म पढ्ने अच्छा सब मै जो म पढ्ने अच्छा यो तना काम नि यो फ्लेभरो काम हुँदैन नि त्यो को ओरिजिनल चिली त कोरोना। हेलो दोस्तों, ये मैं ताराने की पढ़ना आप सबको मेरा कैसे हो आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं भी आंवला भी रोक बजे आंवला कहाँ से ये तो दोस्तों आज मैं आ रही हूँ खरपतिया और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं खरपतिया जूस की जूस निकलता है बहुत ही रसीला बहुत ही अच्छा जूस निकलता है यार एकदम शुद्ध। तो ये देख सकते हो आप लोग ये है आंवले ये आंवला ये हम छाने तो आंवला ही बोल यहाँ तो लोकल जंगल एक दो मैं ले लेती हूँ खाने के लिए। तो ये देखिए शुद्ध आंवले हैं और ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल जूस बनता है यहाँ पे और कोई मिलावट नहीं, इसीलिए सारे लोग यहीं पे जूस बनवाते हैं और यहाँ का जूस काफी जगहों तक सप्लाई होता है। कहाँ कहाँ तक होता है? देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, आपको श्रीनगर, हाँ तो इधर अगस्त लोकल में सब जाता है। हाँ तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा, अभी मैं लाई थी थोड़े माल्टे तो मैंने निकाला है थोड़ा, मतलब निकाल रहे हैं मेरे लिए थोड़ा सा जूस, तो करीब 10 लीटर मेरा जूस होगा। और आप लोगों को अगर अचार चाहिए होगा तो अचार भी यहाँ देख सकते हो आप लोग, आंवले का अचार, कटहल का अचार, नींबू का अचार, कुछ भी कोई भी अचार चाहिए होगा सब अचार आपको मिल सकते हैं यहाँ पे खरपतिया में, जैसा आप लोगों को पता होगा। और खरपतिया का जूस काफ़ी दूर दूर तक जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर जूस चाहिए होगा तो खरपतिया में आ जाइए, नौ क्या चमोगों को हाँ रसीला फ्रूट्स, तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ रसीला फ्रूट्स, तो ज़रूर आइए। और ये देखिए आंवले, तो आंवले का जूस चाहिए होगा तो आंवले का जूस, पुदीना का तो पुदीने का जूस, कोई भी जूस चाहिए होगा आप लोगों को तो यहाँ पे ज़रूर आइए और ज़रूर ले जाइए, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। बुरांस का भी है, बुरांस की है, बुरांस का। और ये देखिए सबसे पैकिंग करते हैं बुरांस, ये देखिए बुरांस का जूस, बुरांस का जूस है जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, तो शुद्ध जूस एवं बुरांस का तो शुद्धि जूस और हमारे पहाड़ों से दुनिया भर, यहाँ बुरांस की कोई कमी नहीं है, बुरांस दुनिया भर के हमारे इधर, तो देख सकते हो आप लोग। अच्छा थोड़ा पर यूट्यूब चैनल नो भी बोल दिया। तो ये देखिए दोस्तों इनका यूट्यूब चैनल भी है और ये अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, तो अपने अपना यूट्यूब चैनल का नाम बताइए आप। शकुंतला मांगली ग्रुप से हाँ, तो जो चंडी की मोड़ की देवी है, चंडिका देवी, तो उन पे इन्होंने बहुत ही प्यारा भजन बनाया है, तो आप लोग शकुंतला मांगली ग्रुप में जाके इनका चैनल सब्सक्राइब करिए। और देखिए जूस भी बना रहे हैं और भजन भी गा रहे हैं, बहुत कलाकारी है इनके अंदर। हेलो दोस्तों, तो ये देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे आंवले का जूस है, पुदीने का जूस है, बुरांस का जूस है और संतरे का जूस है, आम का जूस है, ये देख सकते हो आप लोग। और बहुत ही अच्छे और शुद्ध एवं शुद्ध तरीके से निकाला जाता है यहाँ पे जूस। तो ये देखिए जैम चाहिए होगा आप लोगों को, जैम अचार सब हर एक चीज़ की सुविधा है यहाँ पर खरपतिया में। तो ठीक है दोस्तों, आखिर मेरा जूस निकल चुका है और मेरे जो संतरे मैं लाई थी, मेरे संतरे थोड़े छोटे थे क्योंकि मैंने सोचा बड़े वाले होंगे लेकिन छोटे संतरे थे, लेकिन आपको क्या बात बोलना कि मतलब माता रानी की कृपा से उन्होंने बोला कि मैं अपने संतरे मिला देता हूँ, उनमें ही बड़े बड़े संतरे थे उनके, तो 20-25 संतरे उन्होंने अपने डाले उसमें, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। और मैं बोलती हूँ कि आपका व्यवहारी आपका परिचय है ना, तो थैंक यू सो मच इनके लिए कि इन्होंने अपना अपने घर के संतरे मिलाए हैं मेरे संतरों में और मेरा जूस यानी 10 लीटर बन चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद और मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी सी देर में। हाँ हाँ मरीज हाँ से भी हाँ दोस्तों, ये देखिए आखिर मेरा हमारा जूस तैयार है। और ये देखिए
10 लीटर से ज्यादा ही हो रहा है हमारा जूस। ये आ रखा ना मेरे साथ, क्या पता इसको दे दो एक छोटी सी बोतल। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। और ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए आप सब लोग। और ठीक है, टेक केयर सब लोग के लिए। जय माता रानी की। और फिर से आप लोगों का सादर प्रणाम आप सभी को। ठीक है, देखो।